तो स्टार्ट करते हैं हम कर्ल के क्वेश्चन से। अब देखना पहला क्वेश्चन इसका किस तरीके से आ सकता है। फाइंड द कर्ल ऑफ द वेक्टर एफ दैट इज 3x² i कैप प्लस 5xy² j कैप प्लस xyz³ k³ k कैप एट द पॉइंट 1, 2, 3। अब देखना किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो देखना इसका किस तरीके से करेंगे। कर्ल एफ वेक्टर क्या होता है? ग्रेडियंट वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखना इसको किस तरीके से लिखते हैं। ये हो गया हमारा i कैप डेल बाय डेल x प्लस j कैप डेल बाय डेल y प्लस k कैप डेल बाय डेल z। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम इसके साथ 3x² i कैप प्लस 5x² y² j कैप प्लस xyz³ k कैप। ठीक है, इस तरीके इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट इस तरीके से लिखते हैं। पहली रो में i j k, अगली रो में लिखते हैं डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y डेल बाय डेल z, और थर्ड रो में लिखते हैं हम इसके एफ वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स यानी i कॉम्पोनेंट 3x² यहाँ पे 5xy² यहाँ पे xyz³। इसको देखना आप, इसको डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक आपने 11th 12th में मैट्रिसेस सॉल्व किए थे उसमें डिटर्मिनेंट आप निकालते थे, सेम प्रोसीजर यही रहेगा। यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे साइन इस तरीके से चलता है प्लस माइनस प्लस। अब देखना किस तरीके से लिखता हूँ। आई कैप बाहर प्लस साइन के साथ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो आई वाली रो है, आई वाइज को हाइड कर दो। अब क्या बचा हमारे पास? दिस मल्टी माइनस दिस, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का, यानी कि हो गया हमारा ये डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड क्यूब माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ 5xy² ठीक है, ये हो गया। और माइनस साइन नेक्स्ट, तो माइनस जे कैप। अब जे वाला इसको हाइड कर लो, तो हाइड करने पे क्या मिला? इनका इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, ये रूल होता है। यानी कि डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड क्यूब माइनस डेल बाय डेल जेड, यानी ये दोनों, यानी कि 3x², ठीक है। और फिर प्लस आएगा, यानी प्लस के कैप हो गया हमारा। इसको अब हाइड कर लेते हैं अपने रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि डेल बाय डेल एक्स ऑफ 5xy² माइनस इसका, यानी कि डेल बाय डेल वाई ऑफ 3x². तो ये हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन होता है। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया हमारा आई कैप। अब देखना डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स बाय जेड क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा एक्स जेड क्यूब, क्योंकि वाई को तो हमें वेरिएबल लेना है, उसके अलावा सब कुछ कॉन्स्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। अब वाई की पावर 1 है तो वो साइड पावर रिड्यूस होकर 0 हो जाएगी, तो इसका हमारा रह जाएगा एक्स जेड क्यूब। अब देखो माइनस डेल बाय डेल जेड, अब इस पूरी टर्म में हमारे पास जेड है ही नहीं, तो ये पूरा कॉन्स्टेंट यानी कि 0, ठीक है, माइनस जे कैप। अब देखना डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड क्यूब, ये आ जाएगा हमारा वाई जेड क्यूब, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, वाई और जेड को कॉन्स्टेंट लेना है। माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ 3x², ये फिर अगेन 0 हो जाएगा। प्लस के कैप डेल बाय डेल एक्स ऑफ 5xy² यानी कि 5y² आ जाएगा बाहर, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, वाई को कॉन्स्टेंट लेना है। माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ 3x², यानी वाई की कोई टर्म नहीं है और ये पूरा कॉन्स्टेंट, तो ये अगेन 0 आ जाएगा। तो इसको देखना हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया हमारा एक्स जेड क्यूब आई कैप माइनस वाई जेड क्यूब जे कैप प्लस 5y² के कैप। अब देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश नहीं हुआ, हमें ये दे रखा है कि एट द पॉइंट इसके निकालने हैं, यानी 1, 2, 3 निकालेंगे। तो इसमें सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे हम? एट पॉइंट 1, 2, 3 इट इम्प्लाइज दैट x = 1 y = 2 z = 3, यानी कि जो हमारे पास कर्ल का वैल्यू आया है तो हम इसमें ये सारी सब्सटीट्यूशंस कर देंगे। तो इसको देखने किस तरीके से आएगा। x की बजाय 1 डाल देंगे और z की बजाय यहाँ पे 3 डालना है, तो 3³ ये हमारा आई कैप माइनस y की बजाय डालना है हमें 2 और 3³ यानी कि 3³ j कैप प्लस 5 टाइम्स y स्क्वायर
यानी 2 स्क्वायर k। क्या तो यानी देखना इसको किस तरीके से करेंगे। 3 क्यूब हो गया हमारा 27, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 27 बन गया, माइनस 3 क्यूब 27 माइनस इंटू 2 यानी कि 54 जे कैप प्लस, अब देखो 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 × 5 20, ये हो गया 20 k। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अब कर्ल का मेथड सॉल्व करना आपको आना चाहिए, मेन है कि आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहिए। और फिर ये भी ध्यान देना कि हमारा ये फाइनल आंसर यहाँ पे खत्म नहीं हो जाएगा, इसको हमें यहाँ तक करना है क्योंकि हमें पॉइंट की वैल्यू दे रखी है, और स्पेसिफिक पॉइंट के लिए उसका स्पेसिफिक वैल्यू अलग आएगा, तो उसको देखना, वैल्यू पुट करना मत भूलना।